नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल SSC एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों देखिए, रेलवे ग्रुप डी में आप लोगों की डेली कोई ना कोई पैनल लिस्ट आ रही है, तो उसकी अपडेट आप लोगों को हम पोस्ट वाइज बताते रहते हैं हमारे चैनल पर। आप लोगों को स्टोरीज़ के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, देखिए यूट्यूब आप लोगों का जो जरिया है वो आप लोगों का सिर्फ ये जरिया नहीं है कि हम आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो बनाकर कुछ प्रोवाइड करें। अब हम कुछ यूट्यूब पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड करते हैं तो उस पर हमें कुछ रेवेन्यू प्रोवाइड होता है, लेकिन हम जब पोस्ट आप लोगों को देते हैं, हम आप लोगों को जो स्टोरीज के माध्यम से देते हैं, उसमें हमें बिल्कुल भी रेवेन्यू नहीं मिलता है। देखिए, हमारा जो चैनल का मोटिव है वो सिर्फ आप लोगों का, हमारे चैनल का यही मोटिव है कि आप लोगों को न्यूज़ प्रोवाइड हो, और आप लोगों का ये हमारा बिल्कुल मोटिव नहीं है कि हमें आप लोगों से कोई रेवेन्यू हो। जो हमें थोड़ा बहुत रेवेन्यू की ज़रूरत होती है वो हम वीडियोज़ के माध्यम से ले लेते हैं, उतना ही हमारे लिए काफ़ी है हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए। और बाकी जो हम जितना भी आप लोगों के द्वारा स्टोरीज के माध्यम से हम डेली आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, पोस्ट के माध्यम से करंट अफेयर्स दे रहे हैं, साथ में रिजल्ट की अपडेट हम आप लोगों को पोस्ट के माध्यम से दे रहे हैं, तो उसमें सिर्फ हमारा एक ही मोटिव है कि आप लोगों को आप लोगों की अपडेट प्रोवाइड हो जाए। तो SSC एग्जाम वॉरियर में हम देखिए, मैं भी आप लोगों की तरह एक्सपीरियंट ही हूँ। आप लोगों का बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं इस वीडियो में, आप लोगों को 16 के 16 जॉनर की मैं आप लोगों को पूरी अपडेट दूंगा, जो जिस जॉन की अब तक कोई अपडेट आई है, कितनी कितनी पैनल लिस्ट आई है उन जॉनर की, और कितनी वैकेंसियाँ थी उसके रिलेटेड पूरी वीडियोज़ में अपडेट दी जाएगी। बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, मैं आप लोगों का बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस वीडियो में। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्ट वीडियो पर आता हूँ, आप लोगों को बताते हैं, शुरुआत करते हैं आप लोगों के मुंबई सेंट्रल डिवीज़न। तो देखिएगा, ये आप लोगों की वेबसाइट है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे, यानी जो आप लोगों का RRC मुंबई सेंट्रल पड़ता है उसकी वेबसाइट है। यहाँ पर देखिएगा, क्लिक हेयर टू व्यू द प्रोविजनल पैनल पार्ट 2, यानी पार्ट 2 इनका अपडेट हो चुका है। देखिए नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा पार्ट 1 प्रोविजनल पैनल। तो आप लोग इस वेबसाइट पर आकर दोनों पैनल लिस्ट डाउनलोड मार सकते हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की आप लोगों को पैनल लिस्ट देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं जो पार्ट 2 आई है वो आप लोगों की लेटेस्ट अपडेट हुई है, तो आप लोगों को दिखाना जरूरी है। तो आप लोगों को पैनल पार्ट 2 दिखा देते हैं पहले। तो ये देखिए दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे, यानी सेंट्रल रेलवे आप लोगों को मुंबई का डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल पार्ट 2। यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप लोगों के 1681 कैंडिडेट और 57 PWD वाले कैंडिडेट, नॉन PWD, यानी देखिए प्रोविजनल पैनल 1738 कैंडिडेट, तो टोटल 1738 कैंडिडेट की लिस्ट आई है, जिसमें 1681 कैंडिडेट नॉन PWD हैं और 57 कैंडिडेट वो हैं जो PWD हैं। तो PWD और नॉन PWD दोनों की आप लोगों की पैनल लिस्ट है। सबसे नीचे आएंगे तो आप लोगों को टोटल कैंडिडेट दिख जाएंगे, 57 कैंडिडेट ये हो गए, और ऊपर देखिए 1681 कैंडिडेट ये हो गए। टोटल जोड़ लेते हैं कितने कैंडिडेट हो गए, तो 1681 ये हो गए, 57 आप लोगों के इसमें हो गए थे, और इसके साथ साथ आप लोगों की पार्ट 1 के अंदर, तो पार्ट 1 के अंदर 1758 कैंडिडेट की लिस्ट आई थी। टोटल जोड़ते हैं तो टोटल आप लोगों का 3496 कैंडिडेट बनते हैं। तो 3496 कैंडिडेट का अभी तक आप लोगों की टोटल पैनल लिस्ट अपडेट की गई है। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसीज़ कितनी थी इसके अंदर। तो टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल वैकेंसी थी 4625, और प्रोविजनल पैनल पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर टोटल कैंडिडेट बनते हैं 3496 कैंडिडेट, यानी अभी भी आप लोग की वैकेंसी बच चुकी हैं, जो आप लोग की ये दिखाती है कि आप लोग की प्रोविजनल पार्ट 3 आ सकती है, या फिर आप लोग की DV की सेकेंड स्टेज शुरू हो सकती है। तो देखिएगा, जब तक आप लोग की अपडेट नहीं आ सकती कि प्रोविजनल पार्ट 3 की कितने कैंडिडेट उसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जब तक ये नहीं कहा जा सकता कि आप लोगों की DV की सेकंड स्टेज थ्रू होगी। लेकिन अभी देखिएगा, 1200 कैंडिडेट लगभग बचे हुए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जिनका PET क्लियर था लेकिन DV में नाम नहीं आया था, उनका नाम आ सकता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिवीज़न की। तो दोस्तों, अगला डिवीज़न हम लेते हैं RRC चेन्नई को, यानी RRB चेन्नई आप लोग की जिसकी वेबसाइट है, यहाँ देखिएगा RRCMAS आप लोग टाइप करेंगे तो आप लोग की वेबसाइट खुल जाएगी। नीचे देखिएगा सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर लेवल 1 की पोस्ट है। तो देखिएगा दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल चेन्नई में जो आप लोगों की पैनल 2 आई है, इसके अंदर 13 कैंडिडेट के नाम है। तो देखिएगा, पैनल 1 जो आई थी उसके अंदर टोटल कैंडिडेट के नाम थे वो थे 2549 कैंडिडेट, और जो पैनल 2 आई है इसके अंदर 13 कैंडिडेट के नाम है। तो टोटल आप लोग के अभी तक कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, 2562 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं प्रोविजनल पैनल पार्ट 1 के अंदर और पार्ट 2 के अंदर। और आप लोग की वैकेंसियाँ कितनी थी इसके अंदर, तो वैकेंसियाँ टोटल थी 2979 कैंडिडेट की वैकेंसियाँ थी, और वहीं बात करें तो अभी तक 2562 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो अभी आप लोगों के 400 कैंडिडेट बच जाते हैं, 400 से प्लस कैंडिडेट बच जाते हैं, आप लोगों की पैनल लिस्ट 417 कैंडिडेटों की बहुत जल्द अपडेट कर दी जाएगी वेबसाइट पर। और अगर वो पैनल लिस्ट नहीं आती है तो आप लोग क्लियरली ये जताता है कि RRC चेन्नई के अंदर अभी भी आप लोग की जो PET क्वालिफाइड कैंडिडेट है और जिनको DV में नहीं बुलाया गया था, उनके लिए चांसेस हैं लगने के, क्योंकि आप लोग की पैनल 1 और पैनल 2 में अभी तक इतनी वैकेंसियाँ नहीं हुई हैं, अभी भी आप लोग की 417 वैकेंसियाँ खाली हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आप लोग के अगले जोन की।
अगला जोन है आप लोगों का रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पटना। तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पटना के जोन पर आ जाते हैं, क्लिक करते हैं। तो देखिए पटना में आप लोगों को पहले बता दें, पटना में जो आप लोगों की टोटल अभी तक पैनल लिस्ट आई है वो 3 पैनल आई हैं, और तीनों तीनों पैनल हम आप लोगों को बता चुके हैं। पैनल 1 आई थी उसके अंदर टोटल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे 3908। पैनल जो 2 आई थी उसके अंदर शॉर्टलिस्ट हुए थे 778 कैंडिडेट। और अभी आप लोगों का स्टेटस जो एक्टिवेट हुआ है वो वहाँ पर चेक कर सकते हैं, 209 कैंडिडेट का स्टेटस एक्टिवेट हुआ है। तो 209 कैंडिडेट इसके अंदर चेक कर सकते हैं। तो टोटल जोड़ लेते हैं, टोटल कितने कैंडिडेट हो गए। तो टोटल अभी तक पटना के अंदर जो कैंडिडेट हुए हैं वो 4898 कैंडिडेट टोटल शॉर्टलिस्ट हुए हैं अभी तक आप लोगों की प्रोविजनल पैनल पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर और पार्ट 3 के अंदर। लेकिन वैकेंसियां कितनी थी पटना के अंदर, पटना के अंदर जो वैकेंसियां थी वो थी 5981 कैंडिडेट की जगह थी, और सिलेक्शन हुआ है 4898 कैंडिडेट का। तो देख सकते हैं 1000 कैंडिडेट तक की आप लोग की वैकेंसियां, और उससे भी ज़्यादा वैकेंसियां हैं। 1100 वैकेंसियां खाली हैं अभी पटना के अंदर, और 3 पैनल आ चुके हैं। तो अभी आप लोग का चौथा पैनल आएगा या फिर आप लोग के डेवी का सेकेंड पार्ट शुरू होगा, वो देखते हैं क्या आप लोग की आगे खबर आती है। लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ खाली रह चुकी हैं। तो जिनका PET क्लियर था और DV में नाम नहीं था उनके लिए चांसेस बनते हैं इसके अंदर, क्योंकि 3 पैनल में भी अभी तक उतनी वैकेंसियां नहीं हो पाई हैं जितनी आप लोगों की टोटल वैकेंसी थी। उससे भी आप लोगों की बहुत कम नीचे, अभी बहुत ज़्यादा कम नीचे हैं, 1100 वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जोन की। देखिए दोस्तों अगला जो आप लोगों का रीजन है वो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, यानी NCR रेलवे आप लोगों का इलाहाबाद रीजन आप लोगों का पड़ता है। यहाँ पर देखिएगा टोटल आप लोगों की प्रोविजनल पैनल पार्ट 1 आप लोगों की बताई गई है। तो प्रोविजनल पैनल पार्ट 1 जो आप लोगों की इलाहाबाद के अंदर आई है इसको खोल लेते हैं, टोटल कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं इसके अंदर। तो देखिएगा जी आप लोगों की इलाहाबाद की पैनल लिस्ट है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की। यहाँ पर देखिएगा UR के जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट आप लोगों के प्रोविजनल में नाम आया है वो 1536 कैंडिडेट का नाम आया है, SC के अंदर 519 कैंडिडेट का, ST के अंदर 271 कैंडिडेट का नाम आया है, OBC के अंदर 670 कैंडिडेट का, एक्स सर्विसमैन के अंदर 134 कैंडिडेट का नाम आया है, अप्रेंटिस के अंदर आप लोगों के 42 कैंडिडेट का, PWD के अंदर 82 कैंडिडेट का नाम आया है। और टोटल जो अभी तक नाम आए हैं इलाहाबाद के अंदर 3254 कैंडिडेट के नाम आए हैं, यानी आप लोगों की प्रोविजनल पैनल पार्ट 1 आई है। लेकिन वैकेंसियां टोटल कितनी थी इसके अंदर, तो वैकेंसियां थी 4762 वैकेंसियां, और नाम सिर्फ 3254 कैंडिडेट का आया है। तो अभी भी इसके अंदर वैकेंसियां खाली हैं, 1500 वैकेंसियां खाली हैं इसके अंदर, अभी आप लोगों की प्रोविजनल पैनल पार्ट 2 आनी बाकी है। तो जिन कैंडिडेट का पैनल 1 में नाम नहीं आया उनको डरने या घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोगों की पैनल पार्ट 2 आएगी उसके अंदर आप लोगों का 100% नाम होगा। तो उसके अंदर आप लोग चेक कर लीजिएगा अपना नाम। और बाकी इसके अंदर सुनने में भी आ रहा था कि वैकेंसियां थोड़ी सी इसमें कम कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो इसका DV का पार्ट 2 शुरू होगा, तो वो पहले ही आप लोगों की अपडेट आ चुकी थी। जब तक इसका पैनल नहीं आया था उससे पहले ही आप लोगों की अपडेट बता दी गई थी वहाँ के DRM द्वारा कि आप लोग का जो है DV का सेकंड स्टेज इसके अंदर 100% शुरू होगा इलाहाबाद रीजन के अंदर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जोन की। तो आप हमारा नया जोन आता है दोस्तों, हमारा अगला जोन है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो इसके अंदर आप लोगों की पैनल लिस्ट यहाँ पर है, तो पैनल लिस्ट ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर टोटल वैकेंसियों से कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल पार्ट 2 यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो ये पैनल पार्ट 2 है, पार्ट 1 इसका आ चुका है। यहाँ पर देखिए UR के 46 कैंडिडेट, OBC के 14, SC के 19, ST के 12 और अप्रेंटिस के 3 और LD के आप लोगों को 1 कैंडिडेट हुए हैं। टोटल जोड़ लेते हैं, टोटल आप लोगों का 95 कैंडिडेट बनते हैं। तो 95 कैंडिडेटों के नाम हैं यहाँ पर देखिएगा, टोटल रोल नंबर है सभी 95 कैंडिडेट के, कैटेगरी वाइज डिवाइड किए हुए हैं। लेकिन ये आप लोग का जो बिलासपुर रीजन है इसके अंदर आप लोग की प्रोविजनल पैनल पार्ट 1 भी आई थी, तो पार्ट 1 के अंदर 905 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो ये बार प्लस करके देख लेते हैं, 905 पे हुए थे पार्ट 1 के अंदर, 95 हुए हैं आप लोग के पार्ट 2 के अंदर। टोटल आप लोग के जो कैंडिडेट हैं वो 1000 कैंडिडेट हो चुके हैं। लेकिन इसके अंदर वैकेंसियाँ थी 1159 वैकेंसियाँ, तो 159 कैंडिडेट का नाम अभी बाकी हैं। तो 160 लगभग समझ लीजिएगा आप लोग की एक और पैनल आने वाली है 160 कैंडिडेट की। तो जिन कैंडिडेट का नाम नहीं आया है पार्ट 1 के अंदर और पार्ट 2 के अंदर, वो अभी आप लोग पेशेंस रखिएगा, आप लोगों का नाम पार्ट 2 के अंदर बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक इशू हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इशू हो सकता है, तो इसके लिए उनको रोका हुआ है। तो उनके नाम भी 160 कैंडिडेट के बहुत जल्द अपडेट कर दिए जाएंगे RRB बिलासपुर की वेबसाइट पर। और ये आप लोगों की वेबसाइट है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जोन की तरफ। तो अगले जोन की अपडेट देखिएगा, जैसे बात करते हैं हम अगले जोन की RRC WR की, जो आप लोग का अहमदाबाद रीजन है, या बात करें हम आप लोग की नॉर्थ रेलवे की जो आप लोग का चंडीगढ़ का रीजन है। तो WR के अंदर तो ज्वाइनिंग आप लोग की शुरू हो चुकी है, हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस के लिए आप लोग को अपडेट कर दी गई हैं
कि WR की ज्वाइनिंग सभी जोन डिविजन्स की बात करें, भावनगर की बात करें, वडोदरा आप लोगों का मुंबई सेंट्रल का इसके अंदर आता है और रतलाम इसके अंदर आता है, राजकोट इसके अंदर आता है, तो उनकी आप लोगों की ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है। और साउथ जोन की बात करें तो उसकी ज्वाइनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। WR की आप लोगों की DB का पार्ट टू के लिए भी लिस्ट आ चुकी थी, तो उसके लिए हम आप लोगों को बता चुके थे, DB स्टेज टू भी वहाँ का समाप्त हो चुका है, तो उसकी पैनल लिस्ट भी बहुत जल्द आ जाएगी। अब आगे की तरफ बात करते हैं तो पैनल पार्ट वन 4205 कैंडिडेट की ही ज्वाइनिंग हुई है अभी, और प्रोविजनल पार्ट टू के ऊपर से अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है, तो उसकी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्द आ जाएगी। पार्ट टू वैसे आ चुका है WR का। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की रेलवे ग्रुप डी की पैनल लिस्ट जो अभी तक आप लोगों की अपडेट की गई है। सारी पैनल लिस्ट हम आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में बता चुके हैं। अब दोस्तों जो भी हम आप लोगों को अपडेट, देखिए हमारी अपडेटों से आप लोग कनेक्ट रहिएगा, जैसे हमारे चैनल पर आप लोगों को पोस्ट प्रोवाइड की जाती हैं तो वो आप लोगों को जब भी प्रोवाइड होती हैं जब हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप लोगों को पोस्ट प्रोवाइड नहीं होती हैं, स्टोरीज के ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं होते हैं, तो उनसे आप वंचित रह जाते हैं। तो आप हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं या फिर उनसे कोई प्रॉफिट लेते हैं तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर स्टोरीज़ के माध्यम से और पोस्ट के माध्यम से बहुत सारे अपडेट आप लोग को रेगुलर प्रोवाइड करते रहते हैं। करंट अफेयर्स हमारे चैनल पर डेली आप लोग को रेगुलर प्रोवाइड की जाती है, लेकिन वो पोस्ट प्रोवाइड की जाती है आप लोगों को, जिससे आप लोग पढ़ सकें। देखिए हम कम्फर्ट जोन में आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करें तो आप लोग एक बार वीडियो ज़रूर देख लेते हैं, वो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल नहीं बैठता है, क्योंकि अगर आप लोग कंफर्ट जोन में आ जाएंगे तो आप लोग कभी भी स्टडी नहीं कर पा सकते। तो इसलिए आप लोगों का पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आप लोगों को PDF प्रोवाइड कराते हैं, आप लोगों की पोस्ट के माध्यम से सारी एजुकेशन की डाटा प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप लोग पढ़ाई की हैबिट डालें और एक पढ़ने की हैबिट डालेंगे तो आप लोग जिंदगी भर उस चीज़ को याद रखेंगे, उससे रिविजन भी आप लोग का हो जाता है। तो ये वीडियो थी आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी के पैनल से रिलेटेड। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।